Thank you.
क्यूरी के चित्र में क्यूरी ऐसी क्यूरी मूरी क्यों बताइए, सीधा क्यूरी क्यों नहीं बताइए, कैसी ग्रस्त है ऐसा थोड़ी जगह में ज्यादा जन्म आ जाए इसलिए मानसिक बीमारी कोई यंत्र खराब होने से भी होती है, इविस्तोल प्रवेश करने से भी होती है, अलग अलग टाइप की बीमारी है ना, सिज़ोफ्रेनिया बोलता है। अब ढेर सारे ये अचानक मौतें बढ़ती चली जा रही है तो ढेर की ढेर इविस्तोल तैयार हो रही है, ये कहाँ जाएंगी, प्रवेश करके माता खराब करती है। बाबा ये पूरी पढ़ाई किसको है, पूरी पढ़ाई माने आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए, सब विकर्म विनाश हो जाए, माने पूरी पढ़ाई हो गई, खुशी खुशी रहेगी, कभी दुखी नहीं रहेंगे, कोई दुख देने वाला सामने आएगा ही नहीं, हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। अकर्म की स्थिति में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, परंतु पूरी आत्म की स्थिति होनी चाहिए, सुकर्म जो कहते हैं उनको जो श्रीमत पर चले किए जाते हैं, श्रीमत के अनुकूल जो कर्म करेंगे उससे सुकर्म बनेगा, श्रीमत के विपरीत जो कर्म करते हैं उनसे पाप कर्म बनता है, और आत्मिक स्मृति में रहकर जो कर्म करते हैं वो नील हो जाता है। नहीं इसके लिए क्या करना, आत्मिक स्थिति कोई ने सोल प्रवेश की हुई हो और उसको आत्मिक स्थिति से विद्रूप स्टेज से उसको दृष्टि देंगे तो वो फड़फड़ाएगी भागेगी। बाबा प्रश्न नहीं है पर एक डायरेक्शन चाहिए कि वो बांदेली माता ने पूछा है कि बाबा जब आते हैं तो बांदेली माता आ जाती है और फिर घर में जाके झगड़ा होता है तो आना चाहिए या नहीं, बंधन को खुशी खुशी काटना ज्यादा अच्छा है या खींच तान करके काटना अच्छा है, आने तो देते हैं फिर बाद में आने देते हैं, जब आने देते हैं तो खुशी उनसे परमिशन लेकर के आए, जब आने देते हैं तो परमिशन न लेने का क्या सवाल, बाद में झगड़ा करते हैं ना घर में जाकर, बाद में बोले वहाँ जाके तो उनसे कह सकते हैं आप ही ने तो परमिशन दी आने के लिए, झगड़ा किस बात का, रात हो जाती है अगली बार परमिशन मत देना हम जाएंगे नहीं, तो जाना नहीं चाहिए क्या, बाबा तो खींचता है ना, बाबा खींचता है, इसका क्या प्रूफ है बाबा खींचा कि तुम क्या अपने आप खींच हुई, खिंचाव तो होती है ना बाबा, ये तो मालूम है, हाँ हाँ खिंचाव होती है लेकिन जो कर्म बंधन है वो भी तो काटना है, मिलना नहीं चाहिए बाबा, मिलने से क्या होगा, याद करने से उतनी जोर अगर याद करेंगे तो फायदा नहीं होगा, हाँ तीन चार घंटे जाते हैं अगर उसमें धुनी रमा दें तो फायदा नहीं होगा, होगा नहीं आए तो भी चलते, अरे सन 47 में सारी माताओं कन्याओं के बंधन कट गए इकट्ठे, तो वो क्या ताली तोड़ करके भागी थी क्या, युद्ध के लिए था ना, जब टाइम आएगा कर्म बंधन कट जाएंगे तो रास्ता निकल आएगा, हमारा सहज राजयोग है या कठिन राजयोग है, तो फिर कठिन क्यों बनाना, फालतू पिटाई करना पिटाई पिटना ये झगड़े करना फसाद करना समाज में हड़कंप फैलता है,
औरतें क्या दस बीस साड़ियाँ इकट्ठी करेंगी? स्त्रियों के लिए बेहद का अर्थ क्या लगेगा? माताओं कन्याओं का दस बीस साड़ियाँ पहनना माने दस बीस पुरुषों के साथ लगाव लग जाएगा? हाँ, हर बात में बेहद का अर्थ। बोलो बोलो। बीके में पहला लेसन है आत्मा संस्कार ले जाती है। तो सतयुग में संस्कार आदि की बात ही नहीं, तो समझ में नहीं आई। संस्कार लोग पाउत है प्राय लोग सतयुग में आत्म की स्थिति में रहने के संस्कार नहीं होंगे? ये भी तो संस्कार है, तो सत्य में संस्कार होगा नहीं? आत्म की स्थिति में रहे यही लगेगा, और क्या लगेगा? देवान में न रहे। दैवी गुण धारण करें, दैवी गुण के भी संस्कार होते हैं। आशीर्वाद त्यागने के संस्कार होते हैं। जितने दैवी गुण धारण करते जाएंगे आशीर्वाद त्याग होते जाएंगे। कलयुग में हाँ जी हाँ जी, तो उनकी कला कैसे हो जाती है और वो कैसे कैसे चली जाती है? क्यों उनको तो पाप तो करते नहीं? देह का संग तो करते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं। आत्मिक स्थिति में होते हैं लेकिन फिर भी देह का संग होता है ना, कुछ ना कुछ दृष्टि का संग होता है ना। दृष्टि को भी देह का अंग ही कहेंगे, शेष इंद्रियों का संग होता है, इसलिए गिरना तेजी से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। सुख भोगना माना कुछ न कुछ शक्ति छीन होना। आप मुए मर गई दुनिया, हिसाब किताब चुप हो गया। हाँ सामने आते हैं तो जैसे आए आए ना आए, सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो, ऐसा मरे पड़े। अरे ईश्वरीय ज्ञान नहीं ले रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो क्या मरे पड़े हैं ना? आज नहीं तो कल मर जाएंगे। माना सत्य में साइंस की शक्ति नहीं होगी? साइंस में भी तो सत्य साइंस की शक्ति होगी ना, वहाँ तो और ज्यादा तीव्र गति होगी, वहाँ तो प्रकृति भी सारी कंट्रोल में हो जाएगी साइंस की शक्ति से। आज की साइंस की शक्ति में और सत्य की साइंस की शक्ति में एक चीज दोनों में समानता है, एकाग्रता। साइंस की शक्ति वालों में भी एकाग्रता होती है और जो साइलेंस की शक्ति है उसमें एकाग्रता है लेकिन अभी अधूरी है, इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। जब प्रत्यक्षता होगी तो आज की साइलेंस से जो भविष्य की साइंस की शक्ति है वो बहुत तीखी जाएगी।
हमारा याद ही विज्ञान है। हाँ किसको देता हूँ, तुमको देता हूँ, किनको देता हूँ? तुमको देता हूँ। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा तुमको देता हूँ या इनको देता हूँ? तुमको देता हूँ, जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उनको देता हूँ, सबको तो नहीं देता हूँ। हैं? तो जिनको देता हूँ वो अपने को नहीं समझते। जो साकार शरीर होगा कृष्ण का वो पांच तत्वों का बना हुआ होगा या बिना पांच तत्वों का होगा? और पांच तत्व विनाश से पहले सत्व प्रधान बन जाएंगे या विनाश के बाद ही सत्व प्रधान बनेंगे? तो जो वो बात अलग है, जब बर्फ में दबेंगे तो कंचन काया वाले शरीर निकलेंगे 2036 के बाद, उससे पहले शरीर सड़ते जावेंगे क्योंकि प्रकृति के पांच तत्व तो तमो प्रधान होते जावेंगे या सत्व प्रधान बन जावेंगे? पहले बुद्धि सत्व प्रधान बनेगी, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी या शरीर के पांच तत्व तो सत्व प्रधान बनेंगे? तो बुद्धि को सत्व प्रधान बनने में टाइम लगेगा ना, ये 100 साल आत्मा का परिवर्तन करने का है या देह भी परिवर्तन हो जाती है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तुम्हारी आत्मा सुधरती जाएगी, शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावन बनती जाएगी। कृष्ण को जन्म देने वाले जो माता पिता है वो भी बर्फ में ही कंचन काया होगी क्या? उनके ही लिए तो है कंचन काया बनना बर्फ में, औरों के वो तो गर्भ से जन्म लेंगे, उनके लिए थोड़ा ही है। तो माता पिता भी कंचन काया बनेंगे ना बस? माता पिता भी नहीं, माता पिता ही कंचन काया बनते हैं, शरीर तो गर्भ से जन्म लेते हैं कंचन काया वालों के गर्भ से। बाकी नंबर बात बोला है, लेकिन कृष्ण के माता पिता, कृष्ण के माता पिता हों और चाहे 4.5 लाख जन्म देने वाले माता पिता हों, आज गर्भ के नीचे नहीं जन्मेगा। हैं? आज जो है वो बर्फ के नीचे नहीं जन्मेगा। हाँ ठीक है, जो 8 हैं वो कोई प्रकार का दुख नहीं भोगते, तो वो बर्फ में नहीं रहेंगे ना, उनको बर्फ में रहने की क्या दरकार है? तो उनकी कंचन काया कैसे होगी? उनकी कंचन काया युगबल से ही तो उसी एक सेकंड में ही बन जाएगी, कोई तो आत्माएं होंगी ऊपर से नीचे उतरी बर्फ जमी और तुरंत आ गई बाहर, कोई को टाइम लगेगा? तो फिर बर्फ में तो जाना ही होगा ना, कोई को कम जाना पड़े और कोई को लंबा समय जाना पड़े उसमें अंतर नहीं पड़ेगा? पांच तत्वों के शरीर को हाँ क्यों नहीं बनेगी? 8 को तो सजा ही नहीं खानी है बिल्कुल, तो बर्फ में जाने वाला सजा है क्या? जिनकी आत्म की स्थिति नहीं बनी है उनके लिए सजा महसूस होगी, जिनकी आत्म की स्थिति बनी है उनके लिए सजा कुछ महसूस नहीं होगी। ये सब आत्माएं बर्फ में खा जाएगी। हाँ वो जो खाकर मरेंगे वो तो वो तो हाय हाय करके खत्म हो जाएंगे शरीर, उनके ऊपर बर्फ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा वो तो सड़ जाएंगे। अष्टदेवों के लिए आदि बोला है ना कि बर्फ में नहीं दबेंगे, उनको बर्फ में दबने की दरकार क्या है? एक सेकंड के लिए थोड़ा सा एक ऐसा टाइम आएगा कि जो उनकी तो ऑलराउंड स्टेज है, तो श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता पिता होंगे ना, वो अष्टदेव के अंदर नहीं है, नहीं है ना, वो बर्फ में दब वो अष्टदेव के अंदर नहीं है, फिर वो भी तो श्रेष्ठ है ना, वो कैसे बर्फ में? कौन
अच्छा जो श्री कृष्ण को मारते जो है जन्म लेने वाले, हाँ, वो कैसे बर्फ में दब सकते, वो तो श्रेष्ठ है ना उनके। तुम बर्फ में दबना कोई बड़ी बात हो गई क्या? आज गांधी जी को भी बर्फ की सिल्लियों के बीच में रख दिया गया, बड़ी खुशी खुशी में रहे। ये तो आत्म की स्टेज की बात है जिन्ना। हाँ इब्राहिम आठ तलाब होने इब्राहिम आठ तलाब इब्राहिम आठ कला होता है, पावर सोल सोल क्यों बनता है? क्योंकि जो देवताएं होते हैं आठ कला से नीचे चले जाते हैं, इसलिए वो पावरफुल होता है, है? हाँ, ये अष्टदेव जो हैं वो 2500 साल सुख भोग चुके हैं ना, इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं। आत्मा सुख भोगती है तो शक्ति कम हो जाती है। हाँ जी, और सुख भोगने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है या परस्पर विरोधी? गाय के लिए ताकत चाहिए, ताकत भगवान आगे दे रहा है ना, मेरे को याद करो, तुमको ताकत मिलेगी, लंबी आयु मिल जाएगी, बढ़िया शरीर मिल जाएगा। कोई आत्मा ऐसी भी तो है जो 82 जन्म सुख में रहती है, वो कैसे सुख में रहती है? उन्होंने ज्यादा पावर भरी ना, तो ज्यादा पावर भरेंगे बैटरी में तो ज्यादा सुख मिलेगा। सुख भोगने से आत्मा की ताकत कम हो जाती है, ऐसे क्यों हो जाती है? तो इसीलिए सुख भोगने की ज्यादा शक्ति इकट्ठी कर लो ना, खूब सुख हो। सुख खराब चीज छोड़ रही है, भगवान सुख का सागर है तो बच्चे भी कम थोड़े ही होने चाहिए। अष्ट देवता है तो अष्ट देवियाँ भी है, तो उनका गायन क्यों नहीं है? क्यों लो, अष्ट देवियों का गायन ही नहीं है? वाह भैया, गायन भी है पूजन भी, आप तो उनको बिल्कुल ही उड़ा दिया। परे से परे, हाँ, मना सचिव से सुख की दुनिया से भी और दुख की दुनिया से परे से परे ले जाता हूँ। हाँ, शांति धाम है तो वो स्टेज मना 84 जन्म में कब शक्ति की रहती है? परे से परे की, परे से परे की स्टेज में रहने की जरूरत क्या है? अगर एक सेकंड हम परे की परे स्टेज में चले जाएं और सबसे परे चले जाएं, हमारे से परे सिवाय शिव के और कोई भी न जाए, तो हम ज्यादा पावरफुल हो गए ना। आकारी पार से चला, आकारी पार से चला, से चला, हाँ, आकारी आकार से निराकारी, बाप फिर साकारी बनेगा, तो साकारी पार से सब कुछ शुरू होगा। बाप साकार से आकारी बना, साकार था माँ के तन में, साकार से आकारी बना, आकारी आकारी से निराकारी, निराकारी माने निराकारी स्टेज वाला, सब संकल्प फलास, कोई संकल्प चलाने की दरकार नहीं, पाना था तो पालिया, माने 84 जन्मों का राज एक आत्मा के लिए जैसे ही खुल जाएगा वैसे ही बाप पूरा साकारी, पूरा साकारी बन जाएगा। राइट सुन, 81 से लक्ष्य पूर्ति का श्री गणेश कहाँ जा रहा है? हैं? सुन 81 88 81 81 लक्ष्य पूर्ति का श्री गणेश कहाँ है? हाँ, लक्ष्य पूर्ति 81 से नहीं, ऐसे तो 5 वर्ष की योजना थी, पंचवर्षीय योजना ईश्वरीय कार्य की, तो 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसलिए बोला। और बोलते हैं बाबा, आदि में कराची से 3-4 सेकंड है माउंट आबू में आई, कराची से माउंट आबू में नहीं आई, वहाँ इकट्ठी हो गई थी 300-400 सिंध हैदराबाद में,
75 बन गए, 75। फिर बाद में जब डोडा और छाछ खिलाया गया तो सब जाकर के घरों में बैठ गई, 75 बची। होना है तो होना ही है, नहीं तो माला कैसे बनेगी? तुम शांति में तपस्या कर फिर तुम अपने अपने घर आएंगे, सेवा करेंगे और जो बचेंगे वो भी पास हो जाएंगे। शांति धाम में तपस्या करके फिर घर में आएंगे और सेवा करेंगे। जैसे आदि में 75 बच गए वैसे अंतिम बन गए। शांति धाम में जाने के बाद सेवा की जरूरत रहती है? ऐसे बोला है। ऐसा तो कुछ थोड़ा ही हुआ, आपने समझ लिया ऐसा? शांति धाम जाने के बाद सेवा की दरकार थोड़ी रहती है? फिर तो सुखधाम जाना होता है, सुखधाम में तो कोई सेवा की दरकार ही नहीं। गोसुन कम सुन बोला है, गोसुन कम सुन। वो बाप के घर के लिए बोला कि बच्चे बार बार जाएं, बार बार वापस आएं, सेवा करने के लिए जाएं, खाली हो जाएं तो बाप के घर में आकर के फिर बर्तु हो जाएं, फिर सेवा करने के लिए जाएं, वो परम धाम जाने की बात नहीं है। और पुराने लिए उसमें बोला है कि मधुबन के लोग बाहर जाएंगे और बाहर के लोग अंदर आएंगे, उसका मतलब क्या है, उसकी पहचान कैसी हो? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, तो हो गया ना, पहचान हो गई। और शंकर देवता नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता है, फरिश्ता है, फरिश्ता। हाँ जी, सागर के 8,000 पुत्र है, 60,000 पुत्र बताए। 60,000 नहीं बताए हैं, 64,000 योगिनियां बताई जाती हैं, माने जो योग युक्त होने वाली आत्माएं हैं वो 64,000 हैं। वो देवान में आ गई माने मर गई। पंजाब में पंजाब वालों के 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। पंजाब वालों को 12 मास के 12 ही फल देने चाहिए। 12 मास के 12 फल का मतलब ये है कि 12 आत्माएं श्रेष्ठ निकालें सिख धर्म की। पंजाब की जो 12 श्रेष्ठ आत्माएं हैं जब निकलेंगी तो देवी देवता सनातन धर्म विजयी हो जाएगा, क्योंकि एक ही धर्म ऐसा है जो देवी देवता सनातन धर्म का सहयोगी बनता है, परंतु उसका पार्ट है बाद में निकलने का। सिख धर्म तो सबसे बाद में निकलता है ना, कहते हैं दोपहर को जब सूरज तपता है सर के ऊपर तब 12 बजे आँख खुलती है। किसकी? सिखों की। तब तक उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है असली भगवान का स्वरूप क्या है, जब बैठ जाता है तो पूरे सहयोगी बन जाते हैं। भस्म हो गए, काम आग्नि में भस्म हो गए। हैं? 34,000 जो योग में रहते हैं, तो वो जो भस्म हो जाते हैं वही तो योग में रह करके फिर जागृत हो जाते हैं। हैं? बाबा माला में आने वाले कपूर साहब, माला कोई एक है, माला तो 16,000 की है जिसमें 10 दासियों के वही नंबर लग जाता है। 16,000 में 10 दासियां भी हैं, वो भी उनका कैसा पुरुषार्थ होगा? कौन सी माला की बात कर रहे हैं? 16,108 की माला, उसमें 10 उससे 16,108 की माला में जाने से तो अच्छा है साहूकार बनते रहे, साहूकार प्रजा में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और बाबा दादी को बोला है कि दादी की अंतिम स्टेज प्रकृति दीप माया जीत थी। ये तो जीती तो हाथ मिला लिया तो प्रकृति को जीत लिया ना। अरे
प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया, हाथ मिला लिया, दोस्त बना लिया, तो जीत लिया ना। माया को, माया तो है ही खुद, उसको खुद को क्या जीते है, उसको क्या जीते ले, खुद को जीतने तो सब कुछ जीत लिया, और क्या रह गया। तो बोला है उसके अवतरित होने का उसके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, गर्भ में है, है? माँ बाप तो अपना चोला ढूंढेगी तभी तो हो जाएगी, प्रवेश करेगी। तो वो तो सूक्ष्म में ना, हाँ सूक्ष्म में ही तो भूल जाओ, जो जो ब्रह्मा बाबा के और मम्मा के लिए बोला था, नेपाल में जन्म लिया है, कोई राजघराने में जन्म लेगी, तो क्या कोई स्थूल में था या सूक्ष्म में था, तो ऐसे इनके लिए। और बोला माता पिता समझ रहे कि मेरे पेट में अवतार लेने वाला है। हाँ तो बुद्ध रूपी पेट है माता पिता, हाँ तो माता ही पिता हुए जिनमें वो आत्मा जिन बुद्ध रूपी गर्भ में प्रवेश करेगी, वो तो एक ही है ना। संगम भी राधा कृष्ण के माता पिता कौन है फिर, वो है जिसमें प्रवेश करे, ऐसे वो भी है, जोड़ी है, है? जो भी नारायण बनेंगे वो सब जोड़ी के बनेंगे, बिना बिना जोड़ी के बनेंगे, जोड़ी के ही बनेंगे, है? तो प्रवेश भी जोड़ी में करेंगे, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा क्यों, जोड़ी की आत्मा है, एक ही आत्मा क्यों है। हाँ जी बाबा, चोर नियंत्रण और चोर बाजारी है, स्वर्ण नियंत्रण माने सोना पहनना नहीं है, सोना ज्यादा रखना नहीं है, ये स्वर्ण नियंत्रण हो गया और चोर बाजारी हो गई, जो एडवांस ज्ञान निकलता है उसको चोरी छुपे ग्रहण करते रहना, ये चोर बाजारी हो गई, दूसरों के सामने नहीं उसको यूज करना, अंदर से ताला बंद कर लेना, दरवाजा बंद कर लेना और टीवी बैठ के देखना, ये चोर बाजारी हो गई। बाबा की कैसे सारी सुनना, जैसे आज मुरली में आया, सारी कैसे बाबा की सुनना और दूसरों को सुनाना, लेकिन उसमें बाबा का नाम निकाल देना, बाबा का रूप, हाँ रूप हटा देना, बाबा को गुप्त कर देना, अपने को प्रत्यक्ष कर देना, और चोर बाजारी हो गई। शैतान है बाबा, नौ ग्रह में एक सूर्य है और बाकी जो अष्टदेव है, है उनकी पूजा, अष्टदेव नहीं है, सूर्य स्वयं देवता में है, जाती है। हाँ जी, तो आज सूर्य के नजदीक ज्यादा बुध ग्रह है, तो उनका ज्यादा प्रकाश में दिखता नहीं है, बुध ग्रह है, हाँ जी सूर्य के नजदीक ग्रह है, बुध कौन है, ज्यादा नजदीक है बुध, महात्मा बुद्ध और कौन है, बुद्ध की बीज रूप आत्मा, बुद्ध की आधार मूर्त आत्मा। चोर बाजारी कब तक चलेगी, जब तक उनको नहीं समझा पाएंगे तब तक चलती रहेगी, जब तक नहीं समझा पाएंगे तब तक चलती रहेगी। बोला है मनुष्य औलाद मनन चिंतन करने वाले, मनु ब्रह्मा को कहा गया, मनु ब्रह्मा को, मनु माने मनु, तो मन कल्याण प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा तो मनन चिंतन नहीं करते तो फिर उनको कैसे मनु कहते हैं, वो ब्रह्मा सेकेंडरी है कि फर्स्ट है, फिर सेकंड क्लास ब्रह्मा की बात हो रही कि फर्स्ट की बात हो रही। हाँ जी, यदि आदि वो जो समझ कर समझने वाली जो थी राधावती, समझ कर समझने वाली नहीं, माता जी उसने उनके समझने वाली, हाँ सुना दिया समझा दी, लेकिन बताया तो नहीं किसी को, हाँ, तो लेकिन फिर बच्चे क्यों कहा, बोले राधा बच्चे क्यों कहा, बच्चे नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, है माता, माता बुढ़ी बच्ची नहीं होती है, बाबा मुरली में बुढ़ी बच्ची नहीं कहता है, तो फिर उसका मतलब है कि उसने सुना भी समझा भी क्यों बच्ची, जैसे ब्रह्मा बाबा को ये देवी बुद्धि कहते हैं उसको बच्ची क्यों कहा, ब्रह्मा बाबा को बच्ची कहाँ कहा, देवी बुद्धि कहा, देवी बुद्धि कहा, बच्ची तो नहीं कहा, सब बच्चे बच्ची आई है। हाँ जी,
है तब तक नहीं मिल सकती पति दुनिया है तब तक नहीं किसको नहीं मिल सकते आपस में नहीं मिल सकते वो तो ठीक है मिल करके क्या करेंगे आप जो आत्मिक स्थिति है उसको देह से मिलने की दरकार है बाबा जी कैसे कहा है बाबा जी कैसे कहा है कि जब त्रिमूर्ति इकट्ठा नहीं होती शिवजन की नहीं हो सकती क्योंकि तीनों मूर्ति है संसार में एक साथ कार्य नहीं करेगी प्रैक्टिकल कार्य करेंगी प्रत्यक्ष होंगी समझेंगे लोग मिलने की क्या जरूरत है जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ है उसको अव्यक्त में मिलन मनाना श्रेष्ठ है या कि साकार शरीर से मिलन मनाना श्रेष्ठ है हाँ नहीं लेकिन त्रिमूर्ति एक साथ कार्य करी क्या एक साथ कार्य क्यों करती एक साथ शुरू में कार्य किया बंद में कार्य किया वो अपना कार्य उसका सुखधाम का कार्य है उसका शांति धाम का कार्य है उसका दुखधाम का कार्य है अपने अपने स्टेट में काम करेंगे तो फिर ये का काम खत्म हो गया आओ तो आप तो उनका काम और तेजी से शुरू हो गया है हाँ अब तो और तेजी से काम करेगी है गर्भ में ज्ञान गर्भ उसको खोलो ना क्या बोलो ना लो नहीं दिया है जो भी दिया है सो पढ़ के सुनाओ आपको बाबा तो वो तो बाद में पढ़ेंगे ना बाबा कहा है जितना जितना त्याग और तपस्या करेंगे उतना उतना ज्ञान बुद्धि से गुजरा जाएगा त्याग और तपस्या त्याग होता है धन का त्याग ईश्वरी सेवा में त्याग होता है तन की मेहनत का त्याग ईश्वरी सेवा में और त्याग होता है मन के श्रेष्ठ संकल्प ईश्वरी सेवा में लगाना वो सब त्याग में आ जाता है तपस्या आ जाती है आत्म की स्थिति में रहना देवान का सुख न भोगना आत्म की स्थिति में रहना यही हमारी तपस्या है बाकी एक टांग पर खड़े होना ये कोई है तो भटियों की बात है तीव्र पुरुषार्थी तेज दौड़ेगा और पुरुषार्थी धीरे धीरे पुरुषार्थ करेगा जिनके लिए लगा कहाँ है अभी लेट का बोर्ड लगा है टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है दो का नंबर जब से प्रत्यक्ष हुआ तब से लेट हुए हैं लेकिन अभी टू लेट नहीं हुए हैं हाँ आप बताइए लेकिन जिनके कंचन काया बनेगी तब काया का कनेक्शन है पांच तत्वों से और पांच तत्व जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं जड़ पांच तत्व सारी सृष्टि का विनाश होने के बाद पांच तत्व सुधरेंगे सत्व प्रधान बनेंगे या पहले ही सत्व प्रधान बनेंगे जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा एटम के विस्फोट हो जाएंगे उथल पथल पूरी हो जाएगी तब जाके प्रकृति सुधरेगी प्रकृति का काम ही है संहार कर देना क्या शंकर विनाश नहीं करता है कौन करती है विनाश प्रकृति विनाश करती है प्रकृति माता में मुख्य शक्ति है धरती माता पृथ्वी सारी उथल पुथल मचाई देती है है बाद में स्टेज बनेगी मैं ये मन का सुख है मन का सुख मन से भोगा जाएगा देह का सुख देह से भोगा जाएगा देह का सुख देह अभिमानी भोगेंगे मन का सुख आत्मा अभिमानी है व्यक्ति स्टेज में रहने वाले सुख भोगेंगे
अभी तो अव्यक्तवाणी में अव्यक्त स्टेज बना हुई है, कहना ही बंद कर दिया। बाबा बोल रहा अव्यक्तवाणी नहीं पढ़नी है। किसने कहा? अभी बम्बई में बोला, बोले बाबा ने। क्या बाबा ने बोला? बोले अव्यक्तवाणी नहीं पढ़नी। बाबा तो बोलते हैं पढ़ते जाओ अव्यक्तवाणी, पढ़ते जाओ मुरली, पढ़ते जाओ थर्ड क्लास मुरली। ये बताया कि थर्ड क्लास मुरली है, सेकंड क्लास मुरली है, फर्स्ट क्लास मुरली है, ये कहाँ का पढ़ने ही नहीं है। न पढ़ने से पढ़ना अच्छा या न पढ़ना अच्छा, कोई थर्ड क्लास मुरली में पढ़ना छोड़ दे तो फायदा क्या हुआ? जगदम्बा और लक्ष्मी साथ साथ आएंगे। क्यों? जगदम्बा का पार्ट है विनाश का और लक्ष्मी का पार्ट है स्थापना का, साथ साथ कैसे? महाकाली वालों के पास महाकाली आएगी, महागौरी के पास महागौरी आएगी। दोनों के भगत अलग अलग हैं कि एक ही है? अलग अलग है। अब जिसको जिसकी दरकार होगी उसको पहले आ जाएगी, उसके बाद होना होगा ना। हाँ वो तो ठीक है, जितनी जितनी स्थापना हो उतना उतना विनाश चलता ही रहेगा। हाँ जी बाबा, ऐसा काम आगे चलकर एक आत्मा में है, एक शरीर में तीन तीन चार चार आत्माएं प्रवेश करेंगी। हाँ तीन चार से कैसे काम चलेगा? ये ये चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन ये सारे शरीर छोड़ेंगे या इनके शरीर रह जाएंगे? इन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। सूर्यवंशी थोड़े से मुठ्ठ भर रह जाएंगे तो इतने ढेर सारे शरीर छोड़ेंगे, ये किस में प्रवेश करेंगे? बाबा मुझे सवाल ये पूछना है। हाँ एक शरीर में अगर अनेक आत्माएं प्रवेश करेंगी, अनेक आत्माएं प्रवेश करेंगी, हाँ तो जो ओरिजिनल आत्मा है हाँ, उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? वो तो कंट्रोल होगा ही, कमजोर है इसलिए। जो प्रवेश करेगी वो पावरफुल आत्मा है, उससे पावरफुल होगी। जो भी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई ज्यादा पावरफुल होगी वो पहले कंट्रोल करेगी, जब वो हट जाएगी तो उससे कम पावरफुल होगी वो कंट्रोल करेगी। एक ही साथ में सब रहेंगे ना? हाँ एक ही साथ सब रहेंगे। एक जब पावरफुल बनेगा तो दूसरे अगौण हो जाएंगे। कोई संगठन होता है तो संगठन में एक मुखिया होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसकी ज्यादा चलती है, दूसरों की कम चलेगी। ऐसे ये भी है एडवांस ज्ञान धारण क्यों नहीं करते? वो एडवांस ज्ञान धारण करने वाले धारण क्यों नहीं करते? आत्म की स्थिति धारण करें ना। है किनको? वो तो एडवांस को मानते ही नहीं तब तो प्रवेश करते हैं विरोध करने के लिए। हाँ दिल्ली दूर है और क्या, नजदीक है अभी। है अब भी दिल्ली दूर है माने अभी दिल्ली के ऊपर राज्य नहीं करना है, अभी दिल्ली के ऊपर विजय करना बाकी है, इसलिए अब भी दिल्ली दूर है। बाप दादा सभा के अंदर भी पर्सनल मुलाकात कर लेते हैं क्या? नहीं पूरी सभा बैठी हुई है, सबसे पर्सनल मुलाकात नहीं हो रही है। जैसे कोई मुरली चलाते हैं ना तो मुरली चलाते समय किसी एक से कनेक्टेड बात कह दी, जिससे कनेक्टेड बात कह दी उसको पता चल गया कि मेरे बारे में ये बात बोली गई और दूसरों को पता ही नहीं चला। इस आधार पर बोलो। ऊपर नीचे होते हैं, जब नीचे ठीक होते हैं तो प्रश्न पूछते हैं क्या? हैं
वो प्रश्न पूछते हैं क्या? आत्मदेव प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, नीचे नीचे बोर्ड लगेगा। अष्टदेवों के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। हाँ, आठ देवताओं की जब सीट फिक्स हो जाएगी तब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अष्टदेव नहीं प्रश्न पूछते, वो प्रश्न चित्त होते ही नहीं, उनको सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, प्रश्न चित्त क्यों बनेंगे? जो आठ की लिस्ट में आने वाले होंगे, बाप के सर पर चढ़ करके बैठने वाले होंगे, बाप जिनको प्यार में आकर सर पर चढ़ा के बैठता होगा, उनको प्रश्न करने की दरकार पड़ेगी? हो तो ईश्वरीय सेवा में ही मस्त रहे हैं। गंधर्व विवाह कहते हैं, गांधी जी से निकला गंधर्व विवाह। इंदिरा गांधी ने कौन सा विवाह किया है? भारतीय परंपरा में माँ बाप के रहते बच्चे दूसरी शादी कर लें अपने मनमानी तरीके से तो उसको गंध कहा जाता है, उससे बना है गंधर्व विवाह। वो तो देवी देवताओं के होते थे। गंधर्व अलग होते हैं गाने बजाने वाले, और देवताएं अलग होते हैं। देवताओं की शादी तो 21 जन्म की शिव बाबा आके करता है। अष्टदेव का आठ देवों का कार्य एक जैसा हो जाए, अलग अलग है। हाँ, कार्य जो है सेवा का, हाँ, क्यों अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड, अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं, सब धर्मों के पूर्वज हैं तो उनमें अंतर नहीं होगा? तो इसी तरह से उसमें से जो निकृति रेखा है उसका ऐसा क्यों दिखा है? देवताओं में भी नंबरवार हैं, सब एक जैसे नंबरवार हैं, तो उनका चित्र भी ऐसा दिखाया गया। परमपिता परमात्मा, जिसमें परमपिता हो गया शिव, परमात्मा हो गया, हाँ जी, प्रजापिता को परमात्मा क्यों हो गए? परमात्मा को शिव वो परम स्टेज प्राप्त कर लेता है तब परमात्मा है, जब तक परम स्टेज प्राप्त न करे तब तक परमात्मा थोड़ी है। शिव शिव परम पिता है। परम शब्द लगाने का मतलब ये है कि औरों के मुकाबले परम, और जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के मुकाबले परम पार्टधारी, और शिव जो पार्ट बजाता है उसकी तुलना और आत्माओं से की जा सकती है? नहीं की जा सकती, वो तो तुरिया है, उसका सानी कोई नहीं है, उसकी भेंट कोई से नहीं कर सकते, वो तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है। जो क्या सेट में बोला है कि जब क्या सेट में बोलते हैं ना कि परमात्मा, तो वो प्रजापिता होते हैं, वो क्या सेट में मुरली में बोलते हैं ना परमात्मा, तो प्रजापिता के लिए लागू होते हैं। प्रजापिता के लिए तब तक लागू नहीं होता जब तक वो परम स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेता। जब परम स्टेज को प्राप्त कर ले, शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ने योग्य बन जाए, माना शिव बच्चे को आप समान बना दे, तब परमपिता परमात्मा कहा जाए, शिव के साथ शंकर कहा जाए, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा क्या कहते बताए कि छात्र में शिव बन नहीं, लेकिन गुप्त है। गुप्त है फिर प्रत्यक्ष कैसे हो, मालूम कैसे पड़े? प्रत्यक्ष हो जाए तो सबको निश्चय न बैठ जाए, फिर सबका निश्चय ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? है? हाँ जी, बाप दादा चाहें तो वापस जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते। वैसे ही श्री कृष्ण का होगा ना? अरे बाप दादा में श्री कृष्ण शामिल नहीं है क्या? प्रत्यक्ष हो ही जाएगा वो तो आश्रम में।
बारह बारह के ग्रुप है आर्य समाज में, नाम मात्र की राजाई चलती है, उसमें है अल्पकाल की देवता क्षत्रिय इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी मुस्लिम और सिख, ये आठ हो गए और नौवां है वैल्यूलेस, इसीलिए कि उनकी राजाई ना के बराबर है, राजा का ताज किसी को है ही नहीं, वास्तव में वो गधाई है, कांटों का ताज है, राजा ही है ही नहीं। नास्तिक ना आखिरी नंबर है, वो सिर्फ दूसरों की वैल्यू बताने के लिए। जन्म जन्मांतर की जो सिख धर्म का होगा लास्ट बारह के मन के होंगे, वो अंतिम जन्म में जाकर के आखिरी जन्मों में राजा बनेंगे या शुरुआत से ही बनेंगे? जो जिस धर्म से कनेक्टेड होगा वो उसका उसमें उस गुण का उस धर्म का गुण धर्म होगा ना। सिख धर्म से जो कनेक्टेड होगा, सिख धर्म लास्ट में आता है या पहले से आता है? लास्ट में आता है, तो राजाई भी उन्होंने, राजाई का पुरुषार्थ भी उन्होंने लास्ट में किया होगा, तो जन्म जन्मांतर कैसे बनेंगे? सत्युग के आदि में सूर्यवंशी सबसे ऊंचे, फिर जब नीचे आ जाते हैं तो राम वाली आत्मा साहूकार प्रजा में चली जाती, नीचे गिर जाती, हर जन्म में ऊंचे थोड़े ही बनेंगे। नारायण को याद करो, लक्ष्मी ठीक है, लक्ष्मी को क्यों नहीं? लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी की कथा थोड़ी ही होती है, सत्यनारायण की तो कथा होती है। लक्ष्मी ने जरूर कुछ झूठा काम किया है, कुछ बकरी का पार्ट बजाया है, इसलिए फिर उसको याद करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। बाप तो राजा ही देने आया है कि राणा ही देने आया है? रानियां तो फिर भी अधीन होती है, राजा, राजा तो किसी के अधीन नहीं होता। बाबा मेरा तो एक गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरा छोटी मम्मी का पार्ट, छोटी मम्मी का पार्ट मेरा दासी होती है, एक माने लक्ष्मी जो है वो मीरा दासी बनती है, फिर वो तो राधा का पार्ट है। हाँ जी, वो तो माताओं के लिए जगदम्बा का पार्ट है, मीरा राणा के लिए रानी के नाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विनाश गाया हुआ है, हैं? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, शंकर विनाश करता थोड़े ही है, शंकर के द्वारा तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा का सुख का सागर का पाठ बजाते हैं। फिर विनाश के लिए प्रेरित करते हैं शंकर, तो पकड़ में कैसे आए? तो फिर जिन लोगों को प्रेरित करते हैं उनको ऐसा होता है क्या? हमें कोई तो भी प्रेरित कर रहा है ऐसा, उनको ऐसा होता है क्या? जरूर होता होगा थोड़ा बहुत, हैं? जब काम पूरा कर देते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि हाँ देखो हमसे ये काम पूरा, हम ये काम कराना था इसलिए ऐसा हुआ, हम तो चाहते नहीं थे ऐसा हो फिर भी हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये काम हम बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको पश्चाताप होता है। हाँ,
पर्सन माने क्या होता है? और व्यक्त में व्यक्त भाव होता है कि नहीं है? होता है। तो व्यक्त भाव अच्छा है या अव्यक्त भाव अच्छा? पर्सनल मुलाकात का मतलब ये है कि जो बाप आकर के सर्व सामान्य को ज्ञान देते हैं, उसके अलावा हमको पर्सनल ट्यूशन चाहिए क्या? जैसे क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर पढ़ाता है और कोई स्टूडेंट फिर पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, तो वो कमजोर कैटेगरी के हैं या पावरफुल हैं? कमजोर कैटेगरी के हैं, इसलिए ट्यूशन ले रहे हैं। जो पावरफुल होते हैं उनको अलग से ट्यूशन लेने की क्या दरकार? अभी व्यक्त बनना है या अव्यक्त बनना है? उनका तो क्लास भी नहीं हो रहा है अभी, उनको तो दृष्टि भी नहीं मिल रही है बैठ करके अभी। तुमने कहाँ से अनुमान लगा लिया? अनुमान से नुकसान होता है। हाँ, तो लौकिक की बात यहाँ अलौकिक में टैली करके देखो। जो पावरफुल स्टूडेंट होता है उसको ट्यूशन की दरकार होती है? बिल्कुल दरकार नहीं होती। इसलिए कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करके क्या होगा? जो धन इकट्ठा करेंगे वो सारा उड़ा देगा। और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र सुपुत्र है तो खुद ही कमाई करके ढेर सारा कमा लेगा, उसको पैतृक संपत्ति की क्या दरकार? हाँ जी, वो तो बाप के पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनको ट्यूशन अलग से पर्सनल मुलाकात की जरूरत है ही नहीं, स्वतः मिल जाए वो बात अलग है। बाबा, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इसमें नष्ट देव को डाल दिया है, तो कौन से नष्ट देव, कौन से नष्ट देव? जो विधर्मी है तो नष्ट देव नहीं, नहीं यहाँ ये तो शिवतीनाथ केदारनाथ इनमें कौन है ऐसे पूछते हैं? एक एक का पार्ट थोड़ी अभी बता देंगे, पार्ट नहीं होगा। हाँ, पार्ट ही तो पूछ रहे। नाम नाम हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ ये ज्योतिर्लिंग है ना, तो बाबा ज्योतिर्लिंग है ना ये। हाँ, ज्योतिर्लिंग वो ज्ञान पूजा है, सबकी ज्ञान की ज्योति ही तो है, पूजा भी एक सब शिवलिंग ही तो है, शिव ही तो सब में प्रवेश है। विनाशकारी हो चाहे विनाश, क्या कोई दूसरा कराता है? शिव की मूर्तियां नहीं कराती विनाश, विनाश क्या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट विनाश करा सकते हैं? हमें ताकत ही नहीं है इतनी मुकाबला करने की। ये कहाँ है शिव वाला, शिवालय और वैश्यालय बनाने आने वाला एक शिव बाबा? ये तो मनमत निकाल ली, ऐसा कहीं मुरली में आया है? शिव बाबा शिवालय ही बनाता है और रावण वैश्याल ही बनाता है। शिव में तो देवान है ही नहीं, वो वैश्याल कहाँ से बना लेगा? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, उसका अपना शरीर है जो वैश्याल बनाएगा, उसका रथ है अपना, स्वारथ है,
जिसमें स्वार्थ होता है वो वैश्याले बनाता है। और ब्राह्मणों को दुनिया को जो कर होता है वो टूटा है, जो नॉन सिलेंडर परिवार है, लेकिन जो अंधरूपी दीवार है वो खुले की वो आधी टूटी नहीं है। तो अंधरूपी दीवार कौन सी है? वो टूटी नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया की। सिलेंडर एक रानी मक्खी निकलेगी तो सारा का सारा झाड़ जावेगा, वो परिवार अभी टूटा नहीं है, वो अभी भी बेसिक में वफादार है। बोला है कि सात कमजोरियां मिटाने के लिए तीन युक्तियां बोली है। सात कमजोरियां मिटाने के लिए एक है मेहमान बनते रहो, महान अंतर और महिमा। तो महान अंतर माना क्या? देवताओं में और राक्षसों में महान अंतर है, सत्य की दुनिया में और कलयुग की दुनिया में महान अंतर है। और महान अंतर को सामने रखो, शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी में महान अंतर है, भक्ति और ज्ञान में महान अंतर है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं। वो परमात्मा का कार्य कब तक चलेगा? जब तक संगम है तब तक शिव परमात्मा का कार्य है। बड़ी मुसीबत है शिव परमात्मा का कार्य। तो कब तक चलेगा? क्या जिंदगी भर चलता रहे तो अच्छा है ना? कब तक चलेगा ये प्रश्न ही क्यों पैदा हो रहा है? सर जब हम बाबा के बनेंगे तो स्वर्ग आ जाएगा। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो नरक में क्यों बैठे हैं? इसका मतलब हेवनली गॉड फादर के अभी बच्चे बच्चे नहीं है, बीच बीच में रावण के बन जाते हैं। बाबा हाँ, मंदिर है उसने उस मंदिर में शिवलिंग बाहर रखा है और बैल अंदर रखा है। मंदिर में बैल को रखा है और शिवलिंग को बाहर रखा है। हाँ, बैल बच्चा है ना, बैल है ब्रह्मा और शिव है बाप। तो जब 16 गिरे होंगे रे, जब 16 माने ओले, 16 माने जब बरसात होती है मोटे मोटे ओले गिरते हैं ना, तो जब 16 गिरे तो शिव बाबा बाहर आ गए, बैल को अंदर कर दिया, जा बेटे आराम से रहते। नाम पड़ गया सोलापुर। हाँ जी, सोलापुर का बोले बाबा, सोलेपुर, सोलेपुर है, कोल्हापुर। अच्छा, है तालाब है उस मंदिर के बाजू में। हाँ, बैल पानी पिएगा तो विनाश होगा, इसीलिए अंदर बिठाया है, वो पुजारी बताता है। अरे ज्यादा बात मत करो, जितना घंटा देर से जागेंगे उतना जन्म कम मिलेगा, ऐसा मुरली में कहा है। जन्म कम मिलेगा, ऐसा मुरली में कहा है। तो अमृत मिलने का समय क्या है? ये तो 1 बजे बोला, 2 बजे, ये तो कोई बात नहीं हुई है। जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, जिनके लिए बाबा ने बोला कि जो एडवांस में चलने वाले हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, और वो तो 7-7, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, अंत में वो सब ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे, सब ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। तो क्या वो 84 जन्म लेने वालों की लाइन में नहीं आएंगे? ज्ञानी बच्चे नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन वो प्रजा में आ जाएंगे। हाँ,
जो अमृत वेले से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो राज परिवार में आवेंगे। हाँ जी, रावण के राज्य में अमृत रावण के राज्य में अमृत नहीं होता है, रावण की नाभि में अमृत होता है। नाभि में 16,108 नसे नाड़ियां जाकर के मिलती है। क्या? नाभि से 16,108 नसों नाड़ियों का कनेक्शन है और वहाँ जब तक अमृत बसा हुआ है, माने प्योरिटी की पवित्रता का अमृत जब तक बैठा हुआ है बेसिक नॉलेज में, वो रानी मक्खी जब तक बैठी हुई है तब तक रावण मरने वाला नहीं है। कौन परिवार में आपने वर्तन किया है ना, अभी नहीं सुनते, लास्ट में आएंगे तो उसकी टेंशन क्या बनी। पुरुषार्थ तीखा करेंगे तो क्यों नहीं बन सकती? आगे बन जाएंगे, विज्ञान में चल रहे थे, अडवांस की जर्नी चल रही है, अभी नहीं चलते हैं। तो कन्वर्ट होने वाले हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, बीज रूप आत्मा है। दूसरे धर्मों का कड़ा छलका चढ़ा हुआ था, वो और ज्यादा कड़ा हो गया। हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहाँ, पीछे नंबर आ जाएगा। अब जब चले गए यहाँ से तो प्रजा वर्ग में ही गए ना, कन्वर्ट हो गए ना। उनका प्रजापिता आएगा तो आ जाएगा, उनको वहाँ भी राजा ही नहीं मिलती है। स्वधर्म निधर्म से या पर धर्मो भयावह, जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाके गिरते हैं वहाँ उनको राजा ही नहीं मिलती है, और दास दासी बना के रखते हैं। उनकी 84 जन्म गए, कन्वर्ट होने वाले 84 जन्म गए थे। नहीं बाबा, परिवार वाले बाद में आएंगे उनके। हाँ जी बाबा, आपने अभी कहा ना कि वो दास दस बनेंगे, तो फिर उन्हें ये महसूस होगा ना कि यहाँ आकर कुछ फायदा नहीं, तो वो वापस पहले जिस धर्म में वहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ से कन्वर्ट हो गए हाँ, और आपने अभी कहा कि उनको दासदासी बनाते हैं, उनको राजा ही नहीं मिलती है, ठीक है, तो फिर उस धर्म में जब जाएंगे हाँ, तो उनको पता चलेगा कि हमें तो राजा नहीं मिली है, तो अपना पहला धर्म अच्छा था, तो क्या वो वापस नहीं आते? तभी तो आते हैं, जब लास्ट जन्म में भगवान आता है तो आ जाते हैं ना सब इकट्ठे होके। सिंध हैदराबाद में 9,00,000 थे ना, 84 जन्म वाले नहीं होते हैं, 84 जन्म उनको मिलते हैं लास्ट में, पूरे 84 जन्म नहीं होते। कैसे समझ में आई 84 वाले? जो अंत में 2036 हो और उस समय डायरेक्ट बाप से पढ़ने वाले हो अंत तक, पूरे 84 कैसे? वो ही 84 जन्म लेने वाले, पूरे 84 तो हो ही नहीं सकते, पूरे 84 तो होंगे सिर्फ 1,00,000 के, 50,000 के जो असल सूर्यवंशी है। 4,50,000 में भी तो दूसरे धर्म वंशों के बीज हैं। 4,50,000 में 9 धर्मों के, हाँ 9 धर्मों के बीज हैं, तो 50,000 हो गए फिर तो, जो वो पक्के हुए पूरे 84 जन्म लेने वाले, उनको कैसे पहचानना? वो कन्वर्ट ही नहीं होंगे, अंत तक कन्वर्ट नहीं होंगे, वो दूसरे के प्रभाव में नहीं आने, भले बैठ जाएंगे घर में लेकिन मानेंगे किसी की बात नहीं। है एक 108 में तो राजा क्वालिटी है ना, इसलिए राजा क्वालिटी तो जरूर पहले आवेगी, पीछे पीछे प्रजा आएगी, प्रजा बाद में आएगी या पहले आएगी? हाँ शुरू में बट्टी की हुई है, मना पहले मैंने कब
हाँ भट्टी की हुई एडवांस से शुरुआत में आए। हाँ 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 जी हाँ जी। तो उनको कैसे गिना जाएगा? क्या गिना जाएगा? 50,000 या 4,000 लाख असंख्यक में जो आए थे और अभी तक भी विरोधी है वो आज में उन्होंने बीज नहीं बोया, भले नहीं है लेकिन आज में जो बोया हुआ बीज है उसकी कुछ खासियत होती है कि नहीं? उस समय जिन्होंने सहयोग दिया और अभी जो ढेर के ढेर निकल पड़े हैं फिर सहयोग दे रहे हैं तो अंतर पड़ता है कि नहीं? आज में जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए बोला है दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के अधिकारी है। ओल्ड उस गोल्ड दिल्ली वाले दिल्ली वाले और टाइम हो गया अब।